उद्धव ठाकरेंची पहिली यादी एकीकडे उद्या जाहीर होणार आहे, तर यामध्ये आता चर्चा आहे ती वंचितचं काय होणार याची। कारण प्रकाश आंबेडकरांनी ठाकरेंची शिवसेना आणि वंचितची युती तुटल्याचं जाहीर केलं आणि त्यानंतर संजय राऊतांनी अजूनही चार जागांचा प्रस्ताव कायम आहे पण आमचा सहा जागांचा प्रस्ताव असून दोनच जागा मिळाल्याचा दावा वंचितनं केलाय। आजच्या बैठकीनंतर वंचितचा प्रस्ताव पाठवला जाणार का आणि वंचित काय भूमिका घेणार हे आता बघावं लागेल। संजय राऊतांनी या संदर्भात नेमकी काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे आपण जाणून घेऊया। आंबेडकर जी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है, हम ये चाहते हैं कि हमेशा वो हमारे साथ रहे। हमारी कोशिश कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन हमने उनको चार सीटों का प्रस्ताव दिया है। अब उनके ऊपर है प्रस्ताव मानना है या नहीं मानना है। महाविकास आघाड़ी में लगभग चार या पांच पार्टियां शामिल है, तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। तो वंचित बहुजन आघाड़ी को हमने चार सीटों का प्रस्ताव दिया है और मुझे लगता है प्रस्ताव अच्छा है। जो सीटें आंबेडकर जी ने मांगी थी वही हमने उनको दी है।